हेलो फ्रेंड्स, अब हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर कुछ थ्योरम्स कर लेते हैं जिनके ऊपर हरियाणा स्टेट सिलेक्शन कमीशन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। इससे रिलेटेड पहली हमारी थ्योरम है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमारी पहली थ्योरम है कोई इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर, कोई भी ए मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स और उसकी एडजॉइंट का मल्टीप्लाई या एडजॉइंट या उसकी ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई उसके मैट्रिक्स के ए मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट और यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। ये हमारी आई एन ए यूनिट मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1-1 होते हैं और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे 0 होते हैं। जैसे कि 2x2 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स क्या होगी, ये दोनों डायगोनल एलिमेंट 1-1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट दोनों 0 है। ये हमारी थ्योरम है जिसमें कोई भी ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स या एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में ए मैट्रिक्स किसके बराबर होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स और इनटू मल्टीप्लाई ऑफ यूनिट मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के बाद इस थ्योरम के बाद हमारी नेक्स्ट थ्योरम है जैसे कि कोई भी ए इफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन है then adjoint of A determinant is equal to determinant of A into key power n minus 1। जैसे मैं इसको लिख देता हूँ, if A is non-singular square matrix then determinant of adjoint A is equal to determinant of A की power n minus 1। इसको हम प्रूव भी कर लेते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है। जैसे कि हमने पिछली थ्योरम पढ़ी थी कि कोई भी A मैट्रिक्स है इसका मैट्रिक्स है उसका या इस केस में नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए का डिटरमिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे, इसमें दोनों साइड डिटरमिनेंट लेंगे, दोनों साइड डिटरमिनेंट लेंगे, इसको लिखेंगे ए एडजॉइंट ऑफ ए दोनों का डिटरमिनेंट इक्वल टू ए डिटरमिनेंट I की n दोनों का डिटरमिनेंट। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कि हम दोनों साइड डिटरमिनेंट लिया इस इक्वेशन का। इसके बाद हम इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, ए डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट इक्वल टू ए की पावर एन और आई की पावर डिटरमिनेंट। इसको ऐसे कैसे लिखा, जैसे कि पहले तो इनको अलग किया है, वो क्या होता है कि कोई भी दो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा, ए मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के और बी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के बराबर होगा। और दूसरा हमारा जो मैट्रिक्स में हम थ्योरम पढ़े थे उसमें क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स है ए उसमें कोई भी कांस्टेंट है
एन मल्टीप्लाई होता है उसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो वो होगा एन की पावर एन और ये डिटरमिनेंट, और ये एन होगा इसको हम यहाँ पे के रिज्यूम कर लेते हैं के के की पावर एन, और ये एन होगा जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर था, ऑर्डर ऑर्डर ये एक स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स है इसका एन ऑर्डर है, जैसे कि 2x2 मैट्रिक्स होगी तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, अगर ये 3x3 की मैट्रिक्स होगी तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। इस केस में क्या है ये के इक्वल टू के पावर एन, ये मैट्रिक्स ये एन ऑर्डर है, ऑर्डर है ए मैट्रिक्स का। ओके तो हम इसको जैसे कि ये दोनों मल्टीप्लाई में थे तो ये किसी भी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का कांस्टेंट ही होता है, और हम उसको बाहर निकालते हैं आईएन मैट्रिक्स से, आईएन आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसको बाहर निकालें तो इसकी पावर एन आ जाएगी, जो ये हमारा ये एन है। ओके और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है 1 के बराबर। तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ए डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट इक्वल टू ए की पावर ए डिटरमिनेंट की पावर एन है, और या आई एन की पावर होगी 1 है, इसके मल्टीप्लाई में 1 होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे ये डिटरमिनेंट है इसको हम इस साइड निकाल ले जाएंगे तो क्या होगा एन की पावर माइनस वन हो जाएगी। सो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू एक बार डिटरमिनेंट की पावर एन माइनस वन, ये हमारी थ्योरम थी, ये हमारी थ्योरम प्रूव हो चुकी है। इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो बनता है। क्वेश्चन में कहता है कि कोई भी ए स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स है इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ थ्री ऑर्डर, फाइंड ए का डिटरमिनेंट बताना है सच दैट एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट किसके बराबर है 64 के बराबर। ओके ये हमारा क्वेश्चन है, हमें क्या निकालना है ए का डिटरमिनेंट निकालना है। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि कोई ए मैट्रिक्स है वो क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर है 3 ऑर्डर, और उसमें क्या दिया होगा कि कोई भी इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट का डिटरमिनेंट क्या होगा 64 के बराबर होगा। अब हमें थ्योरम पता है कि थ्योरम क्या है, थ्योरम है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा ए डिटरमिनेंट की पावर एन माइनस वन के बराबर, जो हमने अभी भी प्रूव किया। तो हम इसमें एडजॉइंट ऑफ ए कितना है 64, यहाँ पे पुट करेंगे 64 किसके बराबर है ए डिटरमिनेंट की पावर एन माइनस वन के बराबर। अब हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3, हम यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है तो हम एन की वैल्यू पुट करेंगे 3, ए डिटरमिनेंट की पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू ए डिटरमिनेंट की पावर 2, ए डिटरमिनेंट की पावर कितनी है 64, तो ए डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा प्लस माइनस 8 के बराबर, ये हमारा रिजल्ट है। अब हमारी नेक्स्ट दो थ्योरम्स हैं जो अरेनास्टा सेलेक्शन कमीशन के लिए इम्पोर्टेंट है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। दो थ्योरम ये हैं कि कोई भी ए स्क्वायर मैट्रिक्स है इफ इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इस थ्योरम में कहता है कि कोई भी ए मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब उसका जो ए का ट्रांसपोज का एडजॉइंट है
ए के ट्रांसपोज का एडजोइंट उसके मैट्रिक्स के एडजोइंट के ट्रांसपोज के बराबर होगा। इसको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह पूछ लेता है कि भाई किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का एडजोइंट किसके बराबर होगा, तो उसकी मैट्रिक्स के एडजोइंट के ट्रांसपोज के बराबर होगा। आपको ऑप्शन देगा, जैसे कि ऑप्शन में ये दे देगा कि ये क्वेश्चन ये पूछला कि ए का स्क्वायर का ट्रांसपोज क्या होगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज का एडजोइंट क्या होगा, तो आपको ऑप्शन में दे देगा कि एडजोइंट ऑफ ए होगा, एडजोइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज होगा, एडजोइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट होगा और डी नन ऑफ दिस। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने मोस्टली क्वेश्चन मैट्रिक्स में से जो थ्योरम्स होती हैं उनके ऊपर पूछा, जो शॉर्ट थ्योरम्स होती है जिनको लेंथी प्रूव कराना नहीं होता उनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, उनमें से ये एक है। आपको ये पता होना चाहिए किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का एडजॉइंट उसकी एडजॉइंट के ट्रांसपोज के बराबर होगा, इसमें से हमारा आंसर बी हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट थ्योरम देख लेते हैं। हमारी नेक्स्ट थ्योरम है कि एडजॉइंट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आल्सो अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो हमारा ये हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, इस थ्योरम एडजॉइंट के ऊपर है। इस थ्योरम में क्या है कि किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है जिसका कोई भी मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर हो, तो उसका एडजॉइंट किसके बराबर होगा, उसका एडजॉइंट एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जैसे कि हमने पिछली थ्योरम की थी इसी के ऊपर है बिल्कुल, जैसे कि कोई भी ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए के बराबर होगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए के ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ऑफ ए के ट्रांसपोज ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ए के बराबर है। और ये हमारे सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए के बराबर, तो एडजॉइंट ऑफ ए के ट्रांसपोज किस कोई भी एडजॉइंट ऑफ सिमेट्रिक्स का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर है। यहाँ पे ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए के बराबर होगी क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो यहाँ पे ए रखा जाएगा। तो ये हमारी ये थ्योरम है। इसमें क्वेश्चन है एचएससी इस तरह बनाएगा कि आपको चार ऑप्शन दे देगा, जैसे कि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और सी स्क्वायर मैट्रिक्स है और डी नन ऑफ दिस। आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि ये थ्योरम कोई डायरेक्ट क्वेश्चन बना देगा कि पूछा कि कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा, उसका ट्रांसपोज एडजॉइंट किसके बराबर होगा, तो वो होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बराबर। इस तरह से सचिव ने क्वेश्चन पूछे जो हम इन्वर्स्टिग्रोमेट्री के बाद मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की क्वेश्चन दोबारा कराएंगे, और इससे पहले भी कुछ क्वेश्चन दिए गए थे उनमें भी वो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने वेरियस एग्जाम्स में पूछे हैं।